हुए क्राइम की बात है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली जैसे पिछले 6 महीने से मैं पटेल नगर एरिया में रहते आ रहा हूँ, मैं दृष्टि IAS का स्टूडेंट हूँ, करोलबाग में कोचिंग करता हूँ, पटेल नगर में रहता हूँ, 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, रोज आता जाता हूँ, क्राइम को लेकर थ्रेट्स यहाँ पे बने रहते हैं तमाम दिल्ली का। बस के अंदर मैं बस से जाता हूँ, बस के अंदर भी क्राइम्स होते हैं, रोड पे भी क्राइम्स होते हैं, और इनको लेकर के खास जैसे कि इन सब तो छोटे मोटे बच्चे को, किसी युवा को, किसी युवान को शिकार बनाना और उसकी हत्या करने का प्रयास करना, 2 की हत्या के प्रयास हुए हैं जिसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है, और 3 दिन पुरानी घटना का अभी तक पुलिस में अगर कंप्लेंट की गई है, FIR दर्ज की गई है, तो प्रशासन का इस पर मौन रहना, ये क्या माना जा सकता है कि सिक्योरिटी इंश्योर करने में, सुरक्षा देने में प्रशासन सक्सेसफुल है? की घटना हुई है, ये एक घटना नहीं है, यहाँ कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन यहाँ का SHO भी आता है, पता नहीं इनका बिका हुआ है या दलाल है, और एक बच्चे को रिवॉल्वर लगा के जो दूसरा जख्मी किया था, एक सब इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर लगवा रहा है, और इससे ब्लैंक पेपर कंडक्टर था, वहीं पुलिस बैरिकेड के पास उसका फोन छीना, क्योंकि वो पूरी रात गैंग चलती है, पूरी रात SHO दुकान ने खुलवाता है, डॉक्टर है। पहले जो वारदात हुई है, वो बच्चा गाड़ी निकाल रहा था अपनी, उसने कहा, कार थी उसके पास, कह रहा अंकल ये स्कूटी साइड करवा दो, उस बात को लेके उसने उन पे हमला, खिलाफ क्योंकि अमानतुल्लाह खान तक आया थाने में, उसका क्या मतलब ओखला से यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराने का। आज हिंदू औरतों का निकलना, हिंदू बच्चों का निकलना, भयभीत मचा देगा, पूरा इंडिया में तहलका मच जाएगा, बाहर विदेशों में उठेगी, और एक जब SHO को सस्पेंड करें। नितेश के साथ में थे, मैं इनसे जानने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोगों को भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर में वो पूरा मामला जो इनके आंखों के सामने हुआ है, इनसे पूरी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं और आपके सामने लाते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक। आलोक जी, क्या मामला हुआ था आप सामने से? सर, मैं और नितेश रात को टहलने के लिए निकले थे, तो सर ये 3 लड़के बाइक से पहले हमारे आगे से गए जी, फिर हमने पीछे से हॉर्न दबाते हुए गाली बकते हुए जा रहे थे, फिर हम मुड़ गए तो फिर ये वापस मुड़ के आ गए हमारे पीछे, तो फिर हमने पूछा भाई क्यों गाली वाली दे रहे, उसके बाद इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा। फिर उसके बाद हमें तो काफी मारा, ये मेरा दोस्त है, ये भी पीछे से ही आ रहा था, इसको भी मारा, और उनके हाथ में हथियार भी थे, एक लड़का अंदर से मस्जिद के पास से कुछ लड़के भी बुला लाया, 20-25 लड़के, उन्होंने सबने मिलके मारा फिर हमें। अच्छा जी, तो ये मतलब पूरा मामला, मतलब ये आपसी रंजिश पहले की कोई ऐसा तो नहीं था मामला? नहीं नहीं, आपसी रंजिश तो कोई, ये सिर्फ मतलब रोक करके या टकराव हो गया इस वजह से हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। मतलब उसके अलावा कोई दूसरा पहले का कोई मामला चलता हो? नहीं नहीं सर, कोई मामला नहीं, ऐसा तो कोई मामला नहीं था। आप लोगों ने देखा कि ये सिर्फ एक जरा सी बात के लिए, थोड़ी सी बात के लिए जो है वो टकराव हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से ये घटना जो है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मारपीट तक और हत्या तक पहुंच जाती है ये मामला। क्या कहना चाहेंगे? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके बारे में, इस केस के बारे में और दिल्ली के बढ़ते हुए क्राइम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर। हमारे साथ में शशि कुशवाहा जी हैं, जुड़े हुए हैं, ये UPSC की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर रह करके, और इनका क्या मानना है, जो एक छात्र जो अपने दिल से जो बताना चाहता है, मैं वो भी जानने की कोशिश करता हूँ। शशि कुशवाहा जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर में, और सबसे पहले जिस तरीके से आप जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट आप बनेंगे और कानून के अंडर में रह करके काम करेंगे, कानून जिस तरीके से आज प्रशासन जिस तरीके से चल रहा है, क्या ये प्रशासन को इस तरीके से चलना चाहिए जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम है, इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, दिल्ली में जहाँ तक बढ़ते हुए क्राइम की बात है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली जैसे पिछले 6 महीने से मैं पटेल नगर एरिया में रहते आ रहा हूँ, मैं दृष्टि IAS का स्टूडेंट हूँ, करोलबाग में कोचिंग करता हूँ, पटेल नगर में रहता हूँ, 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, रोज आता जाता हूँ, क्राइम को लेकर थ्रेट्स यहाँ पे बने रहते हैं तमाम दिल्ली गवर्नमेंट, पुलिस और प्रशासन के दावे के बावजूद बने रहते हैं, रात को भी रहते हैं, दिन को भी रहते हैं, बस के अंदर मैं बस से जाता हूँ, बस के अंदर भी क्राइम्स होते हैं, रोड पे भी क्राइम्स होते हैं, और इनको लेकर के खास जैसे कि इन सब तो छोटे मोटे क्राइम्स की बात हम इतर छोड़ देते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके इतर अगर हम जो जघन्य अपराध आज हुआ है स्पेसिफिकली विशेष तौर पर अगर हम उसकी बात करें, तो किसी धार्मिक कट्टरपंथी का, किसी धर्म विशेष के आधार पर, किसी धार्मिक मानसिकता के प्रभाव में किसी बच्चे को, किसी युवा को, किसी युवान को शिकार बनाना और उसकी हत्या करना का प्रयास करना, 2 की हत्या के प्रयास हुए हैं जिसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है, और 3 दिन पुरानी घटना का अभी तक पुलिस में अगर कंप्लेंट की गई है, FIR दर्ज की गई है, तो प्रशासन का इस पे मौन रहना, ये क्या दर्शाता है यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो यहाँ का प्रशासन है वो क्या कर रहा है? क्या इस चीज को माना जा सकता है कि सिक्योरिटी इंश्योर करने में, सुरक्षा देने में प्रशासन सक्सेसफुल है? मुझे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता।
मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर में प्रशासन जो है वो जिम्मेदार अपने ऊपर में नहीं लेता और जिम्मेदारी उसकी बनती है, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता, वो बयान के मुताबिक में जाकर के कहीं ना कहीं अपने केस को घुमाने की कोशिश करता है, ये क्या कहाँ तक सही है? प्रशासन पे एलिगेशन लगाते समय मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं प्रशासन की इंटीग्रिटी पे या उसकी इंटेंशन पे, उसकी इरादे पे मैं शक नहीं करता हूँ, उस पर मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे अगर डिले हो रहा है, देरी की जा रही है न्याय देने में, न्याय में देरी अन्याय के ही बराबर है, ये बात हम सब मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, तो जिस तरह से देरी की जा रही है, भले ही हम उसके इंटीग्रेशन पे पुलिस और प्रशासन के शक न करें, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकत तो यह है, ये तो हम सब मानेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है समय रहते उसका निर्वहन करने में वो सफल नहीं हुए हैं, सफल नहीं हुए हैं, बिल्कुल ये बात हकीकत है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने देखा जो छात्र हैं, जो यूपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस बनने वाले हैं, जो आगे आगे चल करके हमारे समाज को एक नई दिशा देने वाले हैं, वो ये नव युवक हैं जो इस समय अपनी तैयारी कर रहे हैं, इनकी क्या भावना थी, इन्होंने किस तरीके से बोला न्याय को लेकर के? जैसे मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ, देश की राजधानी में अगर किसी देश की राजधानी के एक पौश इलाके पटेल नगर में ये हालात है कि धार्मिक कट्टरपंथी और धार्मिक विचारधारा में बहे हुए किसी मानसिक दुष्ट या फिर मैं कहूंगा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या का प्रयास है, किसी युवान की हत्या की जाती है, तो फिर देश की राजधानी में यह हाल है, तो बाकी देश के छोटे छोटे इलाके, छोटे छोटे शहरों में प्रशासन को और पुलिस का सुरक्षा देने का दावा कहां तक सही ठहरता है? इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है फिर से, बिल्कुल, और इस तरह की घटनाएं यहाँ पे क्यों हो रही है, जबकि देश की राजधानी, देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहाँ धार्मिक कट्टरपंथी इस तरह की चीजें करने की हिम्मत कर रहे हैं, करने के बावजूद सुरक्षित रह पा रहे हैं, तो इसके पीछे किसका हाथ है और कैसे ये संभव हो पाया कि वो किए भी घटना को अंजाम भी दिए और अभी तक वो सुरक्षित हैं, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, ये किस चीज को दर्शाता है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा, क्या कहना चाहते हैं अंकल जी? मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश राष्ट्रीय किसान संगठन अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये इस किस्म की घटना हुई है, ये एक घटना नहीं है, यहाँ कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन यहाँ का SHO जो भी आता है पता नहीं इनका बिका हुआ है या दलाल है, कौन है इसके बारे में, आज तक इनकी FIR नहीं हुई, 4 रोज हो गए बच्चे को, अच्छा। आज उसकी डेथ हुई है, है? अभी तक उसकी आंखें नहीं खुली है, अच्छा। और एक बच्चे को रिवॉल्वर लगा के जो दूसरा जख्मी किया था, एक सब इंस्पेक्टर से रिवॉल्वर लगवा रहा है और इससे ब्लैंक पेपर पे साइन करा लो, अच्छा। ये यहाँ के SHO का हाल है। उसके बाद एक वारदात और हुई है एक बच्चे के साथ, वो DTC ये डिपो से अपनी ड्यूटी करके आ रहा था, कंडक्टर था, वहीं पुलिस बैरिकेड के पास उसका फोन छीना, क्योंकि वो गुंडे बैरिकेड पे खड़े होने वाले वीरेंद्र और रविंदर दो आदमी हो गए, पिट्ठू होते हैं, अच्छा। उसके बाद उसका फोन छीना, उसके बाद उसने आगे शिकायत करी, उल्टा पुलिस वालों ने उसको पीटा, अच्छा। चलो कोई बात नहीं, इस बच्चे की जो साथ हुआ है, ये बच्चा तो अपने घर आ रहा था, सीधा बच्चा था, और दूसरा बच्चा जो था वो भी अपने घर जा रहा था, ये रात को पूरी रात गैंग चलती है, पूरी रात SHO दुकानें खुलवाता है XYZ कॉलोनी की। अंकल जी जहाँ पे दुकानें खुलती है उस जगह का नाम बताइए, और रंजीत नगर मस्जिद के सामने, XYZ नूर रंजीत नगर मस्जिद के सामने, मुस्लिम एरिया है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर में उठ रहे हैं सवाल, ये हकीकत बात है, और हकीकत क्यों ना हो, क्योंकि सब इस समय दिल्ली के लोग सब जानते हैं जी। एक TU सिद्दीकी डॉक्टर है, पहले जो वारदात हुई है वो बच्चा गाड़ी निकाल रहा था अपने, उसने कहा, कार थी उसके पास, कह रहा अंकल ये स्कूटी साइड करवा दो जी। उस बात को लेके उसने उन पे हमला करवाया, अच्छा। उसके बाद वो लड़के बंद रहे, उल्टा हिंदू लड़कों पे मुकदमा दिया गया, अच्छा। मुस्लिमों के खिलाफ कुछ, क्योंकि अमानतुल्ला खान तक आया थाने में, उसका क्या मतलब ओखला से यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराने का, अच्छा। दूसरा क्या नाम है, यहाँ हिंदुओं की सुनवाई नहीं है, अभी जन्माष्टमी गई है, हिंदू मंदिर पे एक पुलिस कर्मचारी किसी भी मंदिर पे नहीं था, जबकि होना चाहिए एक दो आदमी। उसके बाद आज हिंदू औरतों का निकलना, हिंदू बच्चों का निकलना भयभीत हो चुका है, डर इतना हो चुका है कि अपने घरों से बच्चे निकलते नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं डर सबको लगा हुआ। हाँ, और इनका अगर एक बच्चे को कुछ हो जाए तो पूरा मुस्लिम तहलका मचा देगा, पूरा इंडिया में तहलका मच जाएगा, बाहर विदेशों में, और एक हमारा बच्चा हिंदू का है,
उसमें ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। अच्छा, क्यों होते हैं, इसमें क्यों नहीं आते ये? आओ हिंदुओं के साथ, हिंदू कोई इतनी बुरी वो संस्था नहीं है, आरएसएस इतनी बुरी संस्था नहीं है, जय श्री राम, बजरंग दल इतनी बुरी संस्था नहीं है, हम तो सेवा करने में है। आइए, कहीं ना कहीं लड़के को जो है वो हिंदू जो संगठन के साथ में थे, शाखा में भी था लड़का, और यहाँ पर भी जो हिंदू जो विश्व प्रसिद्ध जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के साथ में जो हिंदुत्व को लेकर के अपने हिंदुस्तान के अंदर में लेकर के लोग खड़े हो रहे हैं हिंदू के साथ में, तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूँ। जय हिंद। और डेड बॉडी जब उठेगी, डेड बॉडी जब ही उठेगी, जब एसएचओ को सस्पेंड करें या मुअत्तल करें, उसके बाद उस सब इंस्पेक्टर को भी मुअत्तल किया जाए। मतलब आप लोग यहाँ से जो थाने के जो एसएचए हैं, थाना प्रभारी है, इनको हटाने की, बिल्कुल हटाओ इनको, बिल्कुल हटाओ। यहाँ का पूरा स्टाफ बदली होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो खास तौर पे जो भूपिंदर इनका दलाल है सब इंस्पेक्टर, अच्छा, इसी गांव का, खामपुर गांव का, उसी बेचारे बच्चे के मोहल्ले का, अच्छा, वो एसएचओ के लिए पैसा इकट्ठा करता है, अच्छा, वो इकट्ठा करने का काम करता है। इस कानून के तहत दुकान खुली रहती है पूरी रात, कहीं ना कहीं जो है कानून को, कानून की जो व्यवस्था है जो है वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अंधा कानून है, ये इंसाफ कर नहीं सकता। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, लगातार जो है लोगों का जमावड़ा जो है वो इकट्ठा हो चुका है, और लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बॉडी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनकी माताजी हैं जो इस समय बेहोश हो जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, लाइव तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। माताजी को पानी पिलाया जा रहा है, ये इनकी माताजी हैं नीतीश की, और आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो बिल्कुल भी चौराहे पटेल नगर के अंदर में, वेस्ट पटेल नगर में रखी जा रही हैं। लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही है, आप लोग ये देख सकते हैं, लोग जो है काफ़ी आक्रोश है लोगों के अंदर में, कहीं ना कहीं जो है पुलिस व्यवस्था को लेकर के लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के, दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के आप लोग देख सकते हैं ये आक्रोश किस अंजाम तक पहुँच चुका है, कि आज जब रोडों पे लोगों को उतरना पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये कोई न्याय है? ये न्याय है, ये पुलिस थाना खाता है, ये न्याय है? जवान बच्चा चला गया, ये खाते हैं, ये पैसे खाते हैं पुलिस वाले, बिना खाते जवान बच्चा हमारा पकड़ने के बाद छोड़ दे गया, इन लड़कों को पकड़ने के बाद छोड़ दे गया, उनको लगा खाते हैं, खाते कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का आक्रोश जो है वो पूरा बढ़ चढ़ करके इस समय पटेल नगर रोड के ऊपर में, वेस्ट पटेल नगर के बीच चौराहे पे आप देख सकते हैं, बीच चौराहे पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं, और चारों तरफ जो है वो लोग आक्रोश में हैं, लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पूरा दे रहे हैं। बॉडी जो है बिल्कुल बीच सड़क पर रखी गई है, बिल्कुल बीच रोड पर रखी गई है, जो रोड है वो रिंग, ये पूरा जो पटेल नगर का रोड है आप देख सकते हैं, परिजन लोग जो है वो यहाँ पर हैं। निर्मय हत्या कर दी जाती है नीतीश की, आप देख सकते हैं पूरी बॉडी को देख सकते हैं आप, लोग यहाँ पर देखिए सड़कों पर किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आक्रोश में पूरा बैठे हुए हैं, लोगों ने पूरा शांतिपूर्वक धरना दिया है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है मिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, और कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का जो है आक्रोश जो है वो सामने